गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट वो अलतीत फोर्ट सर, जिसकी ज़बानी तारीख हम 900 साल बताते हैं, लेकिन इसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके मुताबिक 800 साल है, 1100 साल है सर। वाइल बल्तीत फोर्ट जिसकी ज़बानी तारीख हम 765 बताते हैं, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके मुताबिक 800 साल है। इलते बिलते दो तिबित के अल्फाज आ जाए जी आ जाए, इलते बिलते दो तिबित के अल्फाज हैं जिसके मानी उस तरफ इस तरफ अप एंड डाउन सर। इलते बिगड़ते बिगड़ते इस गांव का नाम अलतीत है, बिलते बिगड़ते बिगड़ते उस गांव का नाम बलतीत है। कोई 900 साल पहले हमजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर के खातून जिसका नाम शि खातून था ब्याह करके थ्रो द हिस्पर ग्लेशियर, ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे ब्याफो हिस्पर के नाम से मशहूर है सर, बारातियों की शक्ल में जब उस हमजा के शाही फैमिली के अंदर लाया तो उन्होंने देखा ना कोई गुलाब शाही फैमिली नहीं है, फिर उन्होंने अपने अबू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर आगे रुके जी मैं आज, फिर उन्होंने देखा ना कोई शाही फैमिली उस लिहाज से वलाफ है, फिर उन्होंने अपने अबू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर जिस रियासत के अंदर आपने मेरी ब्याह करवाया हर तरह से गुरबत के आलम है, मेरे लिए एक मकान तामीर करें। फिर उनके साथ जो बाराते ही आए थे यहाँ के जो कदीम बस्तियाँ आबाद हैं वहाँ पर रहे, फिर उस खातून के लिए गिफ्टी मकान बनाया सर। तो आ जाए के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ अदवार में नवाब आए, फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत इसमें एडिशन डिलीशन करते रहे, लास्ट में अलतीत फोर्ट वजूद में आए। कोई 600 साल की कहानी, दो भाइयों की आपस की लड़ाई, बड़ा बेचारा था कि इस इलाके का नवाब बने, छोटा भी, बड़े बेटे को शाह दस्तूर के मुताबिक किंगशिप बड़े को मिलना था, छोटा भी यही चाह रहा था कि मुझे नवाब बना दिया जाए, लेकिन बड़े ने छोटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन छोटा जो है वो हदूद क्रॉस कर गया, बड़े को गुस्सा आया, बड़े ने छोटे को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया और ये खड़े कब्र है और उसका नाम जमाल था सर। इस्लाम से पहले जरूर वाइन बनाते थे, पीते थे, स्टोर करते थे, दिस इज वाइन पॉट वाइन सेलर जी। बाकी ये छोटी खिड़कियाँ दरिया के उस तरफ नगर ये उनसा हम आपस में लड़ते थे, यहाँ का नवाब गार्ड डिप्लॉय करते थे ताकि बाहर का नज़ारा देख सके। ये छोटा सा जेल बगावत वाली कहानी, ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली के काबू में नहीं आते थे उनको ऊपर से गिराए जाते थे। मुझे फॉलो करें जी, दरवाजे इंतहाई छोटे हैं, सर का प्यार तो इन छोटू गाँव से हिस्ट्री हम दो स्टेट राइवल स्टेट्स थे, दरिया के उस तरफ नगर या हुंजा,
यहाँ का नवाब स्पेस को एज ए मीटिंग हॉल कॉन्फ्रेंस रूम के तौर पे, वो लास्ट में दरबारियों के लिए या सरदारों के लिए खाना, उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोश कहते हैं, मेटामॉर्फिक स्टोन। चाले के साथ जैसे रबते बने, स्टोन को रिप्लेस किया मेटल ने, कश्मीर के साथ बना ये, फिर उस दौर का पैमाना का तरीका, मुख्तलिफ साइज के बर्तन हुआ करते थे। उस ज़माने में चीज़ें हाथ से देना मायूब समझा जाता था, इसमें डाल के ऑफर करते थे, उनकी ज़रूरत पूरे होने के बाद सेम बॉल में रिटर्न। तो उस दौर का वाटर सिस्टम, ये वुडन बॉक्स है, इसके दो पोर्शन, एक में गंदम के आटा, दूसरे में जो ऑसीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स है उनकी आटा स्टोर किया करते थे। मज़हब के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस रहा है, फैला नहीं, लेकिन उस ज़माने में जिसे लोकली बिटन शमान इंग्लिश में जो डांस करते हुए फेरीज के साथ जो कुछ बताते थे पास प्रेजेंट फ्यूचर के हवाले से, उन पे ज़्यादा बिलीव किया करते थे। बुद्धिज़्म के हवाले से जैसे आप इस्लामाबाद से निकलते हैं तो टैक्सेला बुद्धिज़्म का हब हुआ करता था, स्वाद तो उनका था ही था। एलांगदा के चाप आते हैं तो जहाँ आजकल दयामर बाशा डेम, नीचे रॉक्स के ऊपर बुद्धदा और इंस्क्रिप्शन, चिलास वहाँ पे, गिलगित कारगानाला के अंदर। अगर आप गिलगित से चित्राल की तरफ निकलते हैं तो दो गांव हेंजल गिच वहाँ पे भी है। हंजा आते हैं तो ऑन द वे टू अताबाद, नीचे रॉक्स के ऊपर भी बुद्धदा और इंस्क्रिप्शन, ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज़्म के इन्फ्लुएंस को। इसके ऊपर जो मैंने नाम गिन लिया, इसके ऊपर हमारे पाकिस्तान के मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिस्टर एहसान दानी, तो उन्होंने एक बेहतरीन जखीम किताब उन्होंने लिखी है, तो आप उन वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। साथ साथ में मौजूदा दौर के हवाले से सेनेटर मशाद हुसैन, जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटियों से मुख्तलिफ प्रोफेसर को, रिसर्चर्स को लेकर आते हैं, उनका कहना भी यही है कि एक ज़माने में हून कबीले के लोग चाइना से इस इलाके की तरफ आए हैं, तो उनकी नस्लों से भी बकाया थे, तो बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस रहा है। आप इसके बाद हिंदुआना रस्में भी यहाँ पे राइज थे, इसको लोकली हिंदू की पत्थर वॉश देम विद इन मिल्क एंड पुट देम देयर वर्शिप टॉप ऑफ द स्टोन। इस्लाम आए हुए कोई 700 साल, 500 से 700 के मिल, बदख्शान से कुछ वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में मदद की, और वो खातून जिनकी ब्याह शिगर से यहाँ, उनके साथ भी कुछ पीर आए सैद आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में उन्होंने भी काम किए। दरवाजे क्यों छोटे, इनके तीन मकासद, वन इज़ डिफेंस, कि आने वाला दुश्मन तेज़ी में आए उसका सर लगे पाँव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरा है कि फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस, वाल द कंस्ट्रक्शन मड स्टोन वुड का बना हुआ स्केल्टन, थोड़ा सा हम आग जलाते हैं तो वार्म अप रहता है, इसलिए स्लिंग्स को लो, डोर फ्रेम शॉर्ट। थर्ड ही कि आप किसी घर में दाखिल होते हैं तो आप झुक कर आए, एहतराम मनाएं, आ जाइए मुझे फॉलो करें। सर का ख्याल रखिए आपसे।